हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल फिटनेस पाठशाला। स्टूडेंट्स, आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ चैप्टर नंबर 5, जो कि है आपका चिल्ड्रेन एंड वुमेन स्पोर्ट्स से एमसीक्यूज, जिसको आप सॉल्व करके प्रिपेयर करके अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए आज वंस अगेन 40 क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप के लेके आया हूँ चैप्टर नंबर 5 से, जिसमें फर्स्ट वन क्वेश्चंस की बात कर लें तो फर्स्ट वन क्वेश्चन है, लेट चिल्ड्रेन स्टार्ट्स आफ्टर द एज ऑफ, ऑप्शन ए है 10 इयर्स, ऑप्शन बी है 12 इयर्स, ऑप्शन सी है 14 इयर्स, ऑप्शन डी है 15 इयर्स। तो फर्स्ट वन जो इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स, वो होगा ऑप्शन बी 12 इयर्स। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो है वो है, डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड्स बोन्स मसल्स एंड एबिलिटी टू मूव अराउंड टू मैनिपुलेट द एनवायरनमेंट इज, ऑप्शन ए मस्कुलर डेवलपमेंट, ऑप्शन बी बिहेवियरल डेवलपमेंट, ऑप्शन सी मोटर डेवलपमेंट, ऑप्शन डी स्किल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे जो मैनिपुलेट करने की बात कर रहा है एनवायरनमेंट से, उसमें क्या है कि आपका जो ग्रास मोटर डेवलपमेंट है और फाइन मोटर डेवलपमेंट है, इट मींस मोटर डेवलपमेंट से रिलेटेड है। ये आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, मोटर डेवलपमेंट। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो है वो है, अर्ली चाइल्डहुड इज बिटवीन द एज ऑफ, अर्ली चाइल्डहुड किस एज ग्रुप में आएगा, ऑप्शन ए है 1 to 6 ईयर्स, ऑप्शन बी है 7 to 12 ईयर्स, ऑप्शन सी है 1 to 3 ईयर्स, ऑप्शन डी है 2 to 10 ईयर्स। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं, आपका जो अर्ली चाइल्डहुड एज ग्रुप है वो क्या होता है, 1 to 6 ईयर्स। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट वन जो आपका क्वेश्चन है वो है, द फैक्टर अफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन आर, करें कि जो फैक्टर्स हैं मोटर डेवलपमेंट को, गामक विकास को प्रभावित करते हैं चिल्ड्रेन के, बच्चों के, वो कौन से हैं। तो ऑप्शन ए है फिजिकल एक्टिविटीज, ऑप्शन बी है इन्वायरमेंट, ऑप्शन सी है अपॉर्चुनिटीज, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स वो है, डेवलपमेंट ऑफ मसल्स हेल्पिंग चाइल्ड टू सिट स्टैंड वॉक एंड रन कैन बी नेम्ड एज, ऑप्शन ए ग्रास मोटर डेवलपमेंट, ऑप्शन बी फाइन मोटर डेवलपमेंट, ऑप्शन सी लर्निंग मोटर स्किल्स, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रन एंड वॉक, स्टैंड, सीट, इन सब के लिए हमको क्या होता है कि जो बिग मसल्स होती हैं हमारी बॉडी की, वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं। और बिग मसल्स की बात कर रहे हैं, इट मीन्स हम बात कर रहे हैं ग्रास मोटर डेवलपमेंट की, बृहद गामक विकास की। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए ग्रास मोटर डेवलपमेंट। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स वो है, इन विच स्टेज हाइट एंड वेट ऑफ इन्फेंट रिपीडली इंक्रीज, कहें किस एज ग्रुप में हाइट और वेट रिपीडली इंक्रीज होता है। तो ऑप्शन ए है आपका अर्ली चाइल्डहुड, ऑप्शन बी है इन्फेंसी, ऑप्शन सी है एडोलसेंस, ऑप्शन डी है लेट चाइल्डहुड। तो स्टूडेंट्स, वंस अगेन यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी इन्फेंसी एज, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन वी इन्फेंसी एज। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स वो है, विच इज द बेस्ट एज टू डेवलप हैंड आई कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस, कह रहे हैं कि कौन सा एज ग्रुप है जिसमें हम हैंड आई कोऑर्डिनेशन और बैलेंस को डेवलप करते हैं बच्चों के। तो ऑप्शन ए है इन्फेंसी, ऑप्शन बी है अर्ली चाइल्डहुड, ऑप्शन सी है लेट चाइल्डहुड, ऑप्शन डी है एडोलसेंस। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स वो होगा आपका ऑप्शन बी अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि जो अर्ली चाइल्डहुड है वो आपका ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। देन
स्टूडेंट्स नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात कर लें तो विलो विच इज नॉट द एग्जांपल ऑफ फाइन मोटर डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड, ये इसमें से कौन सा फाइन मोटर डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड से रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन ए है आपका टर्निंग पेजेस ऑफ द बुक, ऑप्शन बी है होल्डिंग पेंसिल टू राइट, ऑप्शन सी है टाई शू लेस, ऑप्शन डी है वॉकिंग ऑन टोज। तो स्टूडेंट्स सब में देख रहे हैं कि जैसे बुक के पेज को पलटना लिखना और शूज टाइज को बांधना, ये इसमें स्मॉल मसल्स का यूज हो रहा है, इट मीन्स ये फाइन मोटर डेवलपमेंट से रिलेटेड है। लेकिन जो वॉकिंग ऑन टोज है वो हमारे लेग की लॉन्ग मसल्स बिग मसल्स का यूज होता है उसमें, तो इसलिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा वॉकिंग ऑन टोज, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी जो होगा यहाँ पे वो आपके फाइन मोटर डेवलपमेंट से रिलेटेड नहीं है वॉकिंग ऑन टोज, ये आपके ग्रास मोटर डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो है वो है आपका द बेनिफिट्स ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज इन एडोलसेंस आर, ऑप्शन ए है स्ट्रेंथ कार्डियो रिस्पायरेटरी सिस्टम, ऑप्शन बी है द स्ट्रेंथ ऑफ मसल्स इंक्रीजेज, ऑप्शन सी है हेल्प्स इन रिड्यूसिंग स्ट्रेस, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा ऑल ऑफ द एबव, क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो क्या है ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर ले, विच एज इज सुटेबल टू लर्न फंडामेंटल ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, कहना है कि कौन सी ऐसी एज ग्रुप है जिसमें हम फंडामेंटल बेसिक्स को लर्न करते हैं स्पोर्ट्स के, तो ऑप्शन ए है एडोलसेंस, ऑप्शन बी है एडल्टहुड, ऑप्शन सी है चाइल्डहुड, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वंस अगेन ऑप्शन सी चाइल्डहुड, चाइल्डहुड यानी कि बचपन में ही हम सब क्या करते हैं कि गेम्स के बेसिक्स को उनको फंडामेंटल बच्चों को सिखाया जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लें, पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन गेम्स कैन बी इम्प्रूव्ड बाय, ऑप्शन ए अपॉइंटमेंट ऑफ वुमेन कोचेस, ऑप्शन बी गिविंग फाइनेंशियल असिस्टेंट, ऑप्शन सी ब्रॉडकास्टिंग वुमेन गेम्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो स्टूडेंट जैसा कि यहाँ पे क्लियर है कि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इन सब का लैक होने की वजह से वुमेन पार्टिसिपेशन कम है कि वुमेन कोचेस नहीं है, फाइनेंशियल क्राइसिस है वुमेन्स के लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल रहा है और कहीं ना कहीं मीडिया उसको ब्रॉडकास्ट नहीं कर रहा उनके गेम्स को। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 का वो होगा ऑल ऑफ द एबव। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो है स्टूडेंट द की रीजन फॉर लो पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया, कह रहे हैं कि इंडिया भारतीय महिलाओं का जो मेन कारण है कम पार्टिसिपेट करना स्पोर्ट्स में उसका रीजन है ऑप्शन ए लैक ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन बी लो फिजिकल स्ट्रेंथ, ऑप्शन सी लो पार्टिसिपेशन ऑफ मीडिया एंड ऑडियंस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो स्टूडेंट्स वंस अगेन यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। देन नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स हम बात कर ले क्वेश्चन नंबर 13 की, फॉलोइंग विच इज नॉट द पोस्चरल डिफॉर्मिटी ऑफ स्पाइन, इनमें से कौन सी पोस्चरल डिफॉर्मिटी स्पाइन से रिलेटेड नहीं है, स्पाइन की पोस्चरल डिफॉर्मिटी नहीं है, ऑप्शन ए है लोडोसिस, ऑप्शन बी है स्काइलोसिस, ऑप्शन सी है काइफोसिस, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट जैसा हम सभी जानते हैं कि लोडोसिस इनवर्ड कर्वेचर लंबर रीजन में आपकी स्पाइन में जो आ जाता है उसको बोलते हैं, स्काइलोसिस साइडवेट कर्वेचर है आपकी स्पाइन एस ए या सी शेप में अनवर्ट हो जाती, काइफोसिस क्या है आपकी थोरसिक्स रीजन में जो बैक कूबड़ जिसको बोलते हैं निकल आता है गले के पीछे वो कहलाता है आपका काइफोसिस। तो ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से सारी जो पोस्चरल डिफॉर्मिटी हैं स्पाइन से रिलेटेड ही हैं तीनों, तो जो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा वो होगा आपका नन ऑफ दीज, यानी कि तीनों स्पाइन से ही रिलेटेड पोस्चरल डिफॉर्मिटी हैं।
देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स वो है आपका यहाँ पे, उसकी मैं बात कर लूँ क्वेश्चन नंबर 14 की, तो फॉलोइंग विच इज नॉट द मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, ऑप्शन ए लेट मेनार्च, ऑप्शन बी एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऑप्शन सी इनफ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुएशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे वंस अगेन जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव। देन क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लें, इफेक्ट ऑफ एमोनोरिया ऑन वुमेन आर, ऑप्शन ए कैन नॉट कंसीव, ऑप्शन बी गेम परफॉर्मेंस डिक्लाइनेस, ऑप्शन सी ऑफन रिमेंस इंटेंस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो स्टूडेंट्स वंस अगेन यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का वो होगा ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन डी। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो है, द बिगनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन फीमेल इज टर्म्ड एज, ऑप्शन ए मेनार्चे, ऑप्शन बी मोनोपॉज, ऑप्शन सी एनमोरिया, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। बिगनिंग से मतलब है कि फर्स्ट टाइम जो मंथली साइकिल्स आता है उसकी बात कर रहा है, तो उसको बोलते हैं मेनार्चे, ऑप्शन ए यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर होगा। देन क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, पुअर पोस्चर इज ए रिजल्ट ऑफ लो, ऑप्शन ए है लो सेल्फ इस्टीम्स, ऑप्शन बी है अननेचुरल पोजिशन ऑफ स्पाइन, ऑप्शन सी है एज्यूमिंग एक्वायर्ड पोजिशन फॉर लॉन्ग आवर्स, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, हु इज द फर्स्ट वुमेन एथलीट टू इंटर इन ओलंपिक फाइनल, अब कह रहे हैं इनमें से दिए गए नामों में से कौन है जो फर्स्ट वुमेन है भारतीय महिला एथलीट है जिसने ओलंपिक के फाइनल में प्रवेश किया था, ऑप्शन ए है आरती शाह, ऑप्शन बी है अंजू बॉबी जॉर्ज, ऑप्शन सी है पीटी उषा, ऑप्शन डी है साइना नेहवाल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी पीटी उषा। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन स्टूडेंट्स बात कर लें, द की रीजन फॉर लो पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया आर, लैक ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है लो फिजिकल स्ट्रेंथ, ऑप्शन सी है लो पार्टिसिपेशन ऑफ मीडिया एंड ऑडियंस, तो ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा इसका वो क्या होगा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो कहीं ना कहीं ये सारे रीजंस रिस्पॉन्सिबल है वुमेंस के लो पार्टिसिपेशन के लिए। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 21 वो है आपका, स्काइलोसिस इज ए पोस्टल डिफॉर्मिटी विच इज रिलेटेड टू, जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि स्काइलोसिस में क्या होता है कि आपकी जो स्पाइन है उसमें साइडवर्ड कर्वेचर आ जाता है, लेटरल कर्वेचर पाया जाता है, आपकी स्पाइन एस या सी शेप में कर्व हो जाती है, स्पेशली ये स्विमर्स में बहुत पाई जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है मसल्स, ऑप्शन बी है नेक, ऑप्शन सी है स्पाइन, ऑप्शन डी है शोल्डर। तो जो राइट आंसर है वो आपका क्या है, ऑप्शन सी स्पाइन। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन गेम्स कैन बी इम्प्रूव्ड बाय, कि हम वुमेन्स के महिलाओं के प्रतिभागिता को कैसे बढ़ाएंगे, ऑप्शन ए है अपॉइंटमेंट ऑफ वुमेन कोचेस, ऑप्शन बी है गिविंग फाइनेंशियल असिस्टेंट, ऑप्शन सी है ब्रॉडकास्टिंग ऑफ वुमेन गेम्स, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन डी। इन सारी चीज़ों को करके हम वुमेन्स की प्रतिभागिता को, महिलाओं की स्पोर्ट्स में प्रतिभागिता को बढ़ा सकते हैं। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो है वो है, विच इज द ब्लैंकेट टर्म फॉर मेंस्ट्रुअल साइकिल डिसऑर्डर्स, ऑप्शन ए मेनार्चे, ऑप्शन बी मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन, ऑप्शन बी सी मोनोपॉज, ऑप्शन डी एनोमुरिया। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन।
देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो है द फर्स्ट वुमेन पार्टिसिपेटेड इन ओलंपिक, ओलंपिक में महिलाओं ने पहली बार कब प्रतिभाग किया था, तो ऑप्शन ए है 1900, ऑप्शन बी है 1904, ऑप्शन सी है 1908, ऑप्शन डी है 1912। तो जो राइट आंसर है वो क्या है स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए 1900। देन क्वेश्चन नंबर 24, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर आर देयर, कितने तरीके के ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है आपका 5। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन सी 2। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो है, सिंस एशियन टाइम व्हाट वुमेन पार्टिसिपेशन इज अंडर स्टूडेंट, ऑप्शन ए इनएप्रोप्रिएट, ऑप्शन बी एप्रोप्रिएट, ऑप्शन सी इन्फीरियर, ऑप्शन सी डी रिस्पेक्टेबल। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है स्टूडेंट्स वो है आपका ऑप्शन ए इनएप्रोप्रिएट। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात कर ले तो व्हाट इज द मेन अफेक्ट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन ऑन वुमेन एथलीट, ऑप्शन ए है देयर इज ए लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी, ऑप्शन बी है ब्लड लॉस इन द बॉडी, ऑप्शन सी है रिमेन एक्टिव, ऑप्शन डी है यहाँ पे आपका बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे स्टूडेंट जैसा हम देख सकते हैं जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, बोथ ए एंड डी, देयर इज ए लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी एंड ब्लड लॉस इन द बॉडी, ये दोनों यहाँ पे क्या होंगे आपके करेक्ट आंसर होंगे, यानी कि ए और बी बोथ। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें स्टूडेंट तो जो नेक्स्ट वन क्वेश्चन है वो है सिंस एशियन टाइम्स द वुमेन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स इज अंडर स्टूडेंट, उस समय क्या समझा जाता था एशियन टाइम में, प्राचीन समय में वुमेन महिलाओं की प्रतिभागिता को स्पोर्ट्स में कैसे नज़रिए थे उस लोगों के देखने के, तो ऑप्शन ए है इनएप्रोप्रिएट, ऑप्शन बी है अप्रोप्रिएट, ऑप्शन सी है इन्फीरियर, ऑप्शन डी है यहाँ पे आपका बोथ यानी कि ए एंड डी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा इनएप्रोप्रिएट। तो नेक्स्ट वन क्वेश्चन यहाँ पे जो 27 क्वेश्चंस की बात कर लें जो हम स्किप कर गए थे, तो व्हाट इज एनोरेक्सिया नर्वोसा, ऑप्शन ए है मेंटल डिसीज, ऑप्शन बी है सिंपल डिसीज, ऑप्शन सी है ईटिंग डिसऑर्डर, ऑप्शन डी है सीरियस डिसीज। तो स्टूडेंट जो इसका राइट आंसर है वो क्या है एनोरेक्सिया नर्वोसा, साइकोलॉजिकल कहीं ना कहीं आपकी ईटिंग डिसऑर्डर का तरीका है, टाइप्स है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो क्या है ईटिंग डिसऑर्डर। देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात कर ले हम, इसमें जो आपका नेक्स्ट वन क्वेश्चंस है वो है आपका यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नॉर्मल फीमेल इज फॉर, ऑप्शन ए 21 to 35 ईयर्स, ऑप्शन बी है 35 to 35 डेज, ऑप्शन सी है 18 to 21 डेज, ऑप्शन डी है 21 to 30 डेज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो है 21 to 35 डेज, जो कि आपका यहाँ पे आंसर है ऑप्शन ए आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। देन इन बीच ओलंपिक्स पीटी उषा सिक्योर्ड फोर्थ प्लेस इन 400 मीटर हर्डल रेस, कहने कि किस ओलंपिक गेम्स में पीटी उषा ने 400 मीटर हर्डल रेस में बाधा दौड़ में अपनी फोर्थ पोजीशन सिक्योर की या चौथा स्थान प्राप्त किया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए 1980 ओलंपिक्स, ऑप्शन बी है 1984 ओलंपिक्स, ऑप्शन सी है 2016 ओलंपिक्स, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है स्टूडेंट्स वो है आपका ऑप्शन बी 1984 ओलंपिक गेम्स में पीटी उषा ने चौथा स्थान 400 मीटर बाधा रेस में प्राप्त किया था।
देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, व्हाट इज एज बिटवीन 13 to 19 ईयर्स कॉल्ड? ऑप्शन ए है चाइल्डहुड, ऑप्शन बी है प्यूबर्टी, ऑप्शन सी है एडल्टहुड, ऑप्शन डी है एडोलसेंस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी एडोलसेंस। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, इन्फेंसी पीरियड इज, कह रहे हैं इन्फेंसी पीरियड एज यानी कि ये एज कहलाती है आपकी जो इन्फेंसी एज है वो क्या है। ऑप्शन ए है 5 to 8 ईयर्स, ऑप्शन बी है 9 to 12 ईयर्स, ऑप्शन सी है 1 to 3 ईयर्स, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 1 to 3 ईयर्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, इन बीच ओलंपिक गेम्स साइना नेहवाल एंड एमसी मैरी कॉम सिक्योर्ड ऑन ब्रॉन्ज मेडल। कह रहे किस ओलंपिक गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया था साइना नेहवाल और मैरी कॉम ने? तो ऑप्शन ए है 2008 ओलंपिक्स, ऑप्शन बी है 2012 ओलंपिक्स, ऑप्शन सी है आपका 2016 ओलंपिक्स, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, ऑप्शन बी 2012 लंदन ओलंपिक्स में एमसी मैरी कॉम और सानिया नेहवाल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था अपने अपने गेम में। देन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनोरेक्सिया आर देयर? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी है आपका 5। तो जो राइट आंसर है एनोरेक्सिया की बात कर रहे हैं, इट मींस ईटिंग डिसऑर्डर की, तो ये कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके के 2। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट वन है, विच फैक्टर अफेक्ट मोटर डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड? कह रहे हैं कि इसमें कौन से फैक्टर है, कारण है जो आपके चाइल्ड का मोटर डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है। तो ऑप्शन ए है पोस्चरल डिफॉर्मिटी, ऑप्शन बी है अपॉर्चुनिटीज, ऑप्शन सी है इन्वायरमेंटल फैक्टर, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव, कि पोस्चरल डिफॉर्मिटी जो है और अपॉर्चुनिटीज जो है, वातावरण जो है उसका, ये सारी चीज़ें उसके मोटर डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन है स्टूडेंट, टेकलिंग ऑफ हॉकी बॉल विथ स्टिक इज? ऑप्शन ए ग्रास मोटर डेवलपमेंट, ऑप्शन बी फाइन मोटर डेवलपमेंट, ऑप्शन सी नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी बोथ। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर है कि यहाँ पे बॉल को छीनना, टिकल करना, वो किससे रिलेटेड है आपके फाइन मोटर डेवलपमेंट से। तो ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पे वो आपका क्या होगा राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात कर ले हम स्टूडेंट। तो जो नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, विच वुमेन स्पोर्ट्स पर्सनालिटी इज बिलोंगिंग टू एथलेटिक्स? ऑप्शन ए कृष्णा पूनिया, ऑप्शन बी अनीसा सैयद, ऑप्शन सी आदिति मुक्ताकर, ऑप्शन डी पीवी सिंधु। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन ए कृष्णा पूनिया ना। देन नेक्स्ट वन अगर हम बात कर ले क्वेश्चन की, तो ऑस्टियोपोरोसिस रिलेटेड टू? ऑप्शन ए ब्लड प्रॉब्लम, ऑप्शन बी किडनी प्रॉब्लम, ऑप्शन सी स्किन प्रॉब्लम, ऑप्शन डी बोन प्रॉब्लम। तो ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है कि जैसे स्टूडेंट्स हम आपको बताते कि जस्ट लाइक आपकी बोन अंदर से पूरी खोखली हो जाती है, जैसे हनी भी मधुमक्खी का छत्ता होता है, उस तरीके से आपकी बोन बाहर से तो बहुत मतलब ऐसे उभर के आ जाती है, बहुत फूली हुई सी दिखती है, लेकिन होता क्या है कि अंदर से एकदम खोखली हो जाती है बोन, तो उसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। तो यहाँ पे ये किससे रिलेटेड है, बोन प्रॉब्लम से। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर होगा। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो है स्टूडेंट, डाइट्री डिसऑर्डर और ऑफ, ऑप्शन ए है 2 टाइप्स, ऑप्शन बी है 4 टाइप्स, ऑप्शन सी है 5 टाइप्स, ऑप्शन डी है 10 टाइप्स। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या है, डाइट्री डिसऑर्डर 2 टाइप्स के होते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। देन ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 40 की बात कर ले, लास्ट क्वेश्चन जो है
इस चैप्टर से रिलेटेड, तो बुलिमिया इज आल्सो ऑप्शन ए फूड डिसऑर्डर, ऑप्शन बी मोर फूड टेकर, ऑप्शन सी लेस फूड टेक्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे क्या है कि बुलिमिया है कि इसमें क्या होता है कि ये फूड डिसऑर्डर से रिलेटेड है, तो ऑप्शन ए क्या है आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देते रहें, जो भी आपके सजेशन हो वीडियो से रिलेटेड कि आपको वीडियोज पसंद आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, तो उस तरीके से मैं वीडियोज को अपडेट करता रहूँ। थैंक यू।